को आप जिस तरफ भी लेके जाएंगे वो आपके साथ है, जिस तरह भी आप रिस्पॉन्ड करेंगे आपको बता चुके हैं पैसे। अच्छा, जैस्मीन बहुत माजरत, शेख रशीद साहब हमारे साथ हैं अवामी मुस्लिम लीग के सर। अब ये तो बहुत बड़ा ऐलान कर दिया इमरान खान साहब ने, अब क्या होगा आगे? स्टेज पे मुख्तसर बात यही है कि सारी असेंबलियों से सारी असेंबलियां तोड़ने पर ये फैसला हुआ था दिन को कोई 4-1 बजे 2 बजे पहले किया हुआ होगा खान साहब ने, लेकिन डिस्कशन जब हुई तो तकरीबन ये 4-5 बजे हुई। और अब इस पर क्या आगे अमल होता है ये पार्लिमानी पार्टियों से मीटिंग करेंगे, लेकिन जाहिर है इतने बड़े मजमा जो आया था उसको खाली हाथ तो नहीं भेजा जा सकता ना, या धरना देते या इस्लामाबाद जाते या कोई बड़ा अहम फैसला करते। तो उन्होंने अहम फैसला किया है कि इस सिस्टम का हिस्सा नहीं बनना, तो अब देखें इसका नतीजा क्या निकलता है। मैं राशिया में उतर रहा हूँ। ओके, शायद चलें दोबारा हम कोशिश करेंगे हम राबता करें। जैस्मीन आप जिस तरह बात कर रही थी अभी शेख रशीद साहब की बात से लगा कि शायद इस पर अभी और ज़्यादा डिस्कशन होगी, और अब देखना यह है कि क्या इमरान खान साहब को मशवरा दिया जाता है पार्लिमानी पार्टी की तरफ से, चीफ मिनिस्टर साहब की तरफ से। अच्छा फैसला है, उन्होंने अपनी जो कोर टीम है उससे तो बात की हो? नहीं, बिल्कुल की होगी, लेकिन देखें उसामा मुझे लगता है कि एक अच्छे लीडर की निशानी ये होती है कि वो अच्छे वक्त पर अच्छा फैसला करता है। मैं आपको जैसे बता रही थी कि बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी, शायद पब्लिक में भी होंगी, सारे मीडिया को भी एंटिसिपेशन थी, सबको थी कि जी खान साहब शायद इस्लामाबाद पर धरने की कॉल दे देंगे चढ़ाने की या जो भी होगा, लेकिन उन्होंने बड़े तरीके से समझाया कि देखिए पाकिस्तान की जो मईशत है ना, लेट्स बी एक्सट्रीमली ऑनेस्ट अबाउट इट कि पाकिस्तान इस वक्त एक दलदल में घुस चुका है। वो नहीं चाहते कि पाकिस्तान में से कोई भी नहीं चाहता कि पाकिस्तान में खुदा ना खासा इतना इंतजार फैले, इतने बड़े पैमाने पे अगर वो एक कॉल दे दे तो आपका क्या ख्याल है? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, 20,000, 10,000, 15,000 वाटर कैनन्स और पुलिस उनका रास्ता नहीं रोक सकती, लेकिन यह बहुत ही मैं समझती हूँ बाशऊर, बड़ा कॉन्फिडेंट और बहुत ही एक अच्छा फैसला है इस मार्च को या हकीकी आज़ादी की तहरीक को कंटिन्यू रखना, जब वो 65 जलसे करके इसको कंटिन्यू रख सकते हैं और उसके बावजूद इतने बड़े पैमाने पे लोग ला सकते हैं। तो आई थिंक दिस इज अ वेरी प्रॉम्प्ट डिसीजन टू नॉट बी पार्ट ऑफ दिस सिस्टम, इस गले सड़े सिस्टम का हिस्सा न रह के। जैसे अमीर की मैं बात सुन रही थी, आई जस्ट ज्वाइन एंड आई थिंक ही वेरी राइटली पॉइंटेड आउट कि उन्होंने बड़ी अब कैलकुलेटेड मूव्स करनी है एंड दीज कैलकुलेटेड मूव्स आर वेरी वेरी विजिबल, लेकिन कोई इंतशार ना फैला के आज इमरान खान ने एक और बड़ा फैसला कौम के और अवाम के सामने ये रखा है कि ना सिर्फ वो